का नाम लगभग आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। ये अमेरिका की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, लेकिन ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि एप्पल भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही है। जी हाँ, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर मोबाइल कंपनियों में से एक एप्पल अब अपने मोबाइल फोन यानी आईफोन्स को इंडिया में एक बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग में पब्लिश एक रिपोर्ट में लिखा है कि ताइवानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के ग्रुप चेयरमैन टेरी गो ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत इनवाइट किया है, और मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी इस साल भारत में आईफोन का मास प्रोडक्शन शुरू कर देगी। अब हम बात करते हैं उन कारणों पे कि किस वजह से आईफोन का मास प्रोडक्शन चाइना से भारत शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले संभावित कारण ये हो सकता है कि 2014 के बाद भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग केवल उन्हीं देशों द्वारा की जाती है जिनके पास स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। 2014 में पहले भारत में सिर्फ 2% ही स्किल्ड वर्कर्स माने जाते थे। 2014 से पहले भारत में जो स्किल्ड वर्कर का रेट था, अब वो बढ़ गया है। बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने 2014 में इंडिया को 142वीं रैंक पर रखा था, लेकिन अब ये 77 पर है और भविष्य में और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां भारत में अच्छा निवेश करना चाहती हैं। अब बात करते हैं कि आईफोन के मास प्रोडक्शन से भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो इसके आने के बाद रोज़गार में भी बढ़ोतरी आएगी। भारत का स्मार्टफोन बाज़ार दुनिया में और भी तेजी से बढ़ता जाएगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने से उसकी लागत में कमी आएगी, जिससे हम लोग भी कम कीमतों पर आईफोन खरीद सकते हैं। एप्पल को भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए 12% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती थी, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के बाद एप्पल को यह टैक्स नहीं देना होगा और अपेक्षा से कम कीमतों पर भारत में स्मार्टफोन बिक सकेंगे और भारत में इस फोन के दाम भी कम हो जाएंगे। वैसे एप्पल पुराने आईफोन का प्रोडक्शन कई सालों पहले से बेंगलुरु में कर रहा है, लेकिन अब कंपनी अपने नए मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करने जा रही है। अब इसके नए मॉडल भी भारत में बनेंगे। फॉक्सकॉन चेन्नई में फुल स्केल असेंबलिंग शुरू करने से पहले भारत में लेटेस्ट आईफोन का ट्रायल प्रोडक्शन करेगी, और गौ ने कहा है कि हम भविष्य में भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। वैसे भारत इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन बाजार मार्केट है, और चीन में इसकी रफ्तार थम गई है, और चीन का लेबर कॉस्ट भी देखा जाए तो भारत से ज़्यादा है।